हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव सेंट एस एन अजीतगढ़ से। पिछले वीडियो में हमने विविध प्रश्नमाला, जो हमारी चैप्टर नंबर 1 की विविध प्रश्नमाला थी, उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करवा दिए थे। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रुको रुको, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे है, इसे पढ़ लेता हूँ। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, R क्या है, R मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर। R में एक द्विचर संक्रिया A स्टार B बराबर 1 प्लस ए बी। फॉर ईच, ये जो सिंबल है ये होता है फॉर ईच, यानी प्रत्येक के लिए, फॉर ईच, प्रत्येक के लिए। फॉर ईच ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल आर, आर मीन्स रियल, द्वारा परिभाषित है। तो आपके सामने जो संक्रिया है वो संक्रिया क्या है, संक्रिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी। तब संक्रिया स्टार है। अब आपको बताना क्या है कि जो संक्रिया है आपकी, जो स्टार, ये संक्रिया इन चार ऑप्शन में से किसको फॉलो करती है, यानी कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला पढ़ते हैं हम लोग, आपके हिंदी मीडियम की यहाँ पे बुक में ए बी सी डी की जगह क ख ग दिया होगा, तो आप लोग हिंदी वाले देख लेना, इंग्लिश मीडियम में ए बी सी डी है और इंग्लिश में ऑप्शंस हैं, तो मैं अभी इंग्लिश में भी इसे कन्वर्ट कर दूंगा। तो पहला है क्रम विनिमय पर साहचर्य नहीं, यानी ना तो क्रम विनिमय होगा ना ही साहचर्यता का पालन करेगा, साहचर्य पर क्रम विनिमय नहीं। दूसरा ऑप्शन है साहचर्य होना चाहिए लेकिन क्रम विनिमय नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है न तो साहचर्य और न ही क्रम विनिमय। चौथा है साहचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों, चौथा ऑप्शन आपका साहचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों होना चाहिए। तो अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, तो सबसे पहले मैं देखूँगा क्या कि क्रम विनिमय और साहचर्य, हर ऑप्शन में क्रम विनिमय और साहचर्य सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो इंग्लिश मीडियम में क्रम विनिमय मतलब, क्रम विनिमय का मतलब होता है कॉम्यूटेटिव और साहचर्य का मतलब है एसोसिएटिव। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि आपको जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी 1 प्लस ए बी, इस बाइनरी ऑपरेशन में ये कौन से चीज़ को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव या कॉम्यूटेटिव, इन दोनों में एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, ये बताना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ क्रम विनिमयता के लिए। अब क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो कि क्रम विनिमय क्या है, तो ये समझो कि ए स्टार बी जो था वो बी स्टार ए के बराबर हो जाता है, यानी इनके क्रम को आपस में बदल दिया जाए, क्रम को विनिमय कर दिया जाए, है ना, बदल दिया जाए। तो ये दोनों अगर इस तरीके से बराबर हो जाएं तो हम बोलेंगे कि क्रम विनिमय हो गया या क्रम विनिमय को फॉलो करेगा। तो मुझे चेक करना है कि ए स्टार बी जो गिवन है, जो दे रखा है वो है 1 प्लस ए बी, और जो बी स्टार ए जो निकालने वाला हूँ, तो 1 प्लस, जहाँ ए था, देखो जहाँ ए था वहाँ आप क्या रखना है, बी रखना है, और जहाँ बी था वहाँ क्या रखना है, ए रखना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी ए, और आपको पता है कि बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, दोनों क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो ये देखो ए स्टार बी 1 प्लस ए बी है, बी स्टार ए ये भी 1 प्लस ए बी है, तो दोनों पक्ष बराबर है, यानी दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि सिंस ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो हियर, यहाँ यहाँ ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः जो स्टार है यानी संक्रिया, संक्रिया ये क्या है, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है, और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसे, इंग्लिश में लिख लेंगे हियर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, देन स्टार दैट मीन्स ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। तो ये आप लोग लिख लेना। दूसरा चलते हैं क्रम विनिमय के बाद साहचर्य। साहचर्य का मतलब होता है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव के लिए क्या बताया था आपको, पिछले वीडियो में हमने बताया था एसोसिएटिव के लिए कि तीन एलिमेंट्स, तीन अवयव ए स्टार बी स्टार सी, ये तीन होते हैं जो
ए और बी को एक साथ रखने पे जो आएगा यहाँ, दूसरी तरफ बी और सी को एक साथ रखने पे जो आएगा, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। ए स्टार बी एक साथ स्टार सी, या फिर ए स्टार बी और सी एक साथ, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये बोलेंगे हम लोग इसके लिए कि यह साचर्य होगा, यानी एसोसिएटिव होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको दोनों साइड्स को अलग अलग लेके दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है LHS, ये आपका हो गया LHS और ये आपका हो गया RHS। इसके नीचे लिख लेते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। अगर ये दोनों हुए तो साहचर्य होगा, और नहीं हुए तो नहीं होगा। A स्टार B आपका है 1+AB, तो 1+AB इसका स्टार किसके साथ लगाना है, C के साथ, तो स्टार लगा के लगाओ C। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये A जैसा काम करेगा। ये पूरा का पूरा क्या है, A। तो यहाँ A में है इस जगह पे A, तो 1+AB, तो मुझे 1+ तो लिखना है वैसा का वैसा, प्लस के बाद जो A है उस A की जगह ये बड़ा सा पूरा लिख देना है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, है ना। ए स्टार बी में ए की जगह अब आ चुका है 1+AB, तो जहाँ ये ए था उसकी जगह 1+AB। दूसरी जगह सी है, स्टार के बाद क्या है देखो सी, तो स्टार के बाद यहाँ क्या था बी, तो बी, तो ए के बगल में जो बी था उसी की जगह अब सी आ जाएगा, तो यहाँ सी आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ को बस रिप्लेस करना है, ठीक है ना। ये ए जैसा है और ये बी जैसा है, तो 1+AB × C। अब इसको पूरी तरह से अपन मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो C अंदर जाएगा, इधर ABC बचेगा। तो ये आपका LHS आ गया है 1+C+ABC। इसी तरीके से बात कर लेता हूँ मैं RHS की, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका RHS। ये आपको नीट एंड फेयर करना है कॉपी में, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये मिक्स लगेगा तो ना तो सामने वाले को समझ में आएगा और ना ही बाद में आपको समझ में आएगा, तो आप इसे अलग अलग अच्छे से करना। RHS कितना है, RHS है A*B*C, ये है RHS। यहाँ पे देखो A, तो ये वाला A तो वैसा का वैसा जैसे A है वैसा ही है, स्टार जी हाँ स्टार, B तो B की जगह ये पूरा आ चुका है B*C। अब आपको पता है B*C के लिए मुझे अलग से निकालना है, तो B यहाँ C यहाँ, तो B*C का आ जाएगा 1+BC, ठीक है, इस पूरे का आ जाएगा 1+BC। तो A*1+BC, और अब इस BC 1+BC का A के साथ स्टार जो लगेगा फिर से वो इसी तरीके से दिखेगा, तो इसे लिख लेते हैं 1+A की जगह तो A रहेगा, B की जगह बस 1+BC आ जाएगा, ठीक है, तो B की जगह 1+BC। अब इसको पूरी तरह से सोल्व करके लिख लें, यानी मल्टीप्लाई करके, तो 1+A+ABC। अब ज़रा चेक करते हैं कि दोनों RHS और LHS बराबर हैं या नहीं। देखना LHS जो है वो दे रखा है 1+C+ABC, और RHS जो है वो आपका आया है 1+A+ABC। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सेम है, क्योंकि यहाँ C है और वहाँ A है, तो इसकी वजह से ये RHS और LHS बराबर नहीं है। तो क्या लिखोगे आप, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इंग्लिश मीडियम वाले लगाएंगे सिंस, हिंदी मीडियम वाले लगाएंगे चूंकि, सिंस या चूंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो वी कैन से दैट दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो यहां आप लिख लेना नीचे, यह संक्रिया साहचर्य नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में आप लिख लोगे दिस इज नॉट अ एसोसिएटिव ऑपरेशन, ओके। अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन बैठता है। तो मेरे पास जो है वो आंसर आ चुका है मेरा कि क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है, तो ऑप्शन होना चाहिए जिसमें ये हो क्रम विनिमय है साहचर्य नहीं। तो पहला देखो क वाला या ए वाला, क्रम विनिमय पर साहचर्य नहीं, यानी क्रम विनिमय तो है पर साहचर्य नहीं है, तो यही ऑप्शन बैठ गया पहला। जब आपका पहला ऑप्शन आ ही गया है तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये कॉम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन क वाला आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं 9 की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये 9th वाला आ गया है। क्वेश्चन ऐसा है कि पूर्णांकों के समुच्चय z में व्यकलन एक ऐसी संक्रिया है, व्यकलन मतलब माइनस है ना, सब्ट्रैक्शन। कई बार ज़्यादा शुद्ध हिंदी आने पे अपने को समझ में आना बंद हो जाता है। व्यकलन मतलब माइनस करना है ना, घटाना। एक ऐसी संक्रिया है जो क्रम विनिमय तथा साहचर्य में से कौन सी है। आपको बताना है, ये शायद चार ऑप्शन दे रखे थे, मैंने इसे यहाँ पे क्रम विनिमय और साहचर्य के रूप में लिख लिया है। हम लोग इसको बता देंगे कि क्रम विनिमय साहचर्य में से जो है तो ऑप्शन में वो आप देख लेना, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लो। देखो पूर्णांक का मतलब वो सारे नंबर जो प्लस के भी हों जो माइनस के भी हों, ठीक है ना, और साथ ही साथ ज़ीरो भी पूर्णांक होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि पूर्णांकों में कभी भी ये बटे वाले नंबर नहीं आते हैं और पॉइंटों वाले भी नहीं आते हैं, ठीक है ना, ये नंबर नहीं आते हैं, सिर्फ ऐसे आते हैं माइनस पाँच, माइनस चार, माइनस तीन, ज़ीरो, एक, दो, तीन, ठीक है, ये पूर्णांक है। तो पूर्णांकों के समुच्चय में जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें व्यकलन यानी घटाना एक ऐसी संक्रिया है, घटाने के ऊपर संक्रिया देखनी है। तो ये बात तो पूर्णांकों की हो गई। अब जरा देखते हैं कि संक्रिया कैसे दिखेगी, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने पाता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा कि दो अवयव लूँगा, पहले दो अवयव a कोमा b, माना a कोमा b बिलोंग्स टू z है ना, दो अवयव लूँगा और उस पर अब संक्रिया लगाता हूँ व्यकलन यानी घटाने वाली। तो a कोमा b बिलोंग्स टू z देन या तब स्टार, तो अब स्टार को दिखाने के लिए मुझे ए स्टार भी लिखना पड़ेगा ना, है ना, संक्रिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये हो गई व्यकलन की संक्रिया। अब इसमें मुझे देखना है क्या पहला क्रम विनिमय, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्रम विनिमय, और इंग्लिश मीडियम वाले अब तो जान ही गए होंगे कम्यूटेटिव। क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव, तो क्रम विनिमय कैसे देखना है, ए स्टार बी ये बराबर होना चाहिए था बी स्टार ए के, मेरे पास ए स्टार बी तो है ही ए माइनस बी, तो क्या करूँ बी स्टार ए निकाल लेता हूँ, ठीक है। ए स्टार बी आपके पास है ए माइनस बी, तो बी स्टार ए कैसा हो जाएगा बी माइनस ए जैसा। अब जरा ध्यान से देखो, ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी इक्वल हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे सर हो भी सकता है, पता नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये दिखाते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो आपको पता है ए तो प्लस का हो जाएगा और बी माइनस का, ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी सबको। कई लोग ये जो है यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको समझें कि ए को पहले लिख ले माइनस का ए, बी को प्लस का, अब माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस ए ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। तो बी स्टार ए जो आया है वो ए माइनस बी जैसा आया है, लेकिन कौन से चिन्ह के साथ, माइनस के, नेगेटिव साइन के साथ। तो नेगेटिव साइन के साथ जो आया है तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ए संक्रिया बी बराबर नहीं है बी संक्रिया ए के, तो अतः यह संक्रिया, अतः यह संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो पहला तो मेरे को पता चल गया कि क्रम विनिमय नहीं है। अब साहचर्य की बात कर लेते हैं। साहचर्य के लिए मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, हालांकि जगह तो कम है लेकिन फिर भी एडजस्ट करेंगे यहाँ पे हम। साहचर्य एसोसिएटिविटी साहचर्यता और एसोसिएटिव साहचर्य। तो साहचर्य के लिए क्या होता है बताओ, यही होता है, ठीक है ना, ये ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, तो ये LHS और ये RHS क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर हो गए तो साहचर्य है और नहीं हुए तो नहीं है। मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है,
मुझे लेंदी नहीं करना है इस वीडियो को, इसलिए मैं यहाँ से इस ए स्टार बी स्टार सी वाले को डायरेक्ट लिखता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे हुआ। ए स्टार बी कितना था, ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ आएगा ए माइनस बी, उसका किसके साथ स्टार लगाना है, सी के साथ। तो ए माइनस बी का फिर से सी के साथ स्टार लगाओगे तो ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा ए माइनस बी और माइनस सी। ये मैंने डायरेक्ट किया है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसको रफ कॉपी में देख लेना है चेक करके कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। पिछले वीडियोस में हमने ये खूब सारा सीख लिया था। अब RHS, ठीक है। देखो LHS मतलब लेफ्ट हैंड, तो उल्टा हाथ, क्योंकि मैं बोर्ड की तरफ देखूंगा तो उल्टा हाथ ये रहेगा, आपका भी ये रहेगा, और सीधा हाथ ये रहेगा, ठीक है, जिससे लिख रहा हूँ मैं। RHS में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। तो RHS में ए स्टार बी स्टार सी है, तो क्या करना है बताओ, वही ए, तो ए वैसा का वैसा, माइनस बी स्टार सी, तो बी स्टार सी का क्या आएगा, बी माइनस सी, तो वो किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा। इस बात पे ध्यान देना, यहाँ और यहाँ के डिफरेंस को समझो। यहाँ ब्रैकेट क्यों लग गया, यहाँ क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा वो बता देता हूँ। इसका ब्रैकेट यहाँ था एक्चुअली, ठीक है, ये इस जगह ब्रैकेट था। फिर से देख सकते हो, ए स्टार बी, तो यहाँ पर ए स्टार बी, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका ब्रैकेट यहाँ था, इसका ब्रैकेट यहाँ था, ठीक है, गलत कर दिया था। तो ए स्टार बी ए माइनस बी, तो ए स्टार बी ए माइनस बी, ठीक है पूरा। और उसका स्टार सी, तो स्टार सी मतलब फिर से माइनस करना, तो माइनस का सी। यहाँ क्या था, यहाँ ए पहले था अकेला, तो ए अकेला रहेगा वैसा का वैसा, माइनस पूरा बी वाला कौन सा है, तो बी वाला तो बी स्टार सी है, बी स्टार सी मतलब बी माइनस सी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया, इसका आंसर आएगा a माइनस बी माइनस सी, जो मैंने डायरेक्ट लिखा था। इसका आंसर आएगा a माइनस अंदर करो मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस सी, ये आएगा। अब LHS जो है और जो RHS जो है ये सेम नहीं है, दिख रहा है ना, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो बताओ क्या होगा, साचर्य होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या लिखूँगा, नो दिस इज नॉट, दिस इज नॉट एसोसिएटिव, ये साहचर्य नहीं है, है ना, ये साहचर्य नहीं है। तो अब आप देख लेना, आपके पास वहाँ बुक में चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से एक होगा कि क्रम विनिमय है साहचर्य नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है साहचर्य है, क्रम विनिमय साहचर्य दोनों नहीं है, और लास्ट ऑप्शन या ऐसा होगा एक ऑप्शन कि दोनों ही है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा भाई ये क्रम विनिमय नहीं है, साहचर्य भी नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें ये बोले कि क्रम विनिमय भी नहीं है और साहचर्य भी नहीं है, यही आपका ऑप्शन होगा। तो यहाँ देख लेना, मेरे ख्याल से कुछ सी या ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, पूर्णांकों के समुच्चय z में, z मतलब पूर्णांक, अभी बताया ना, तो z मतलब पूर्णांक है। तो पूर्णांकों के समुच्चय z में एक संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ईच, यानी प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए। तो आपको मैंने जब संक्रिया स्टार्ट की थी तो संक्रिया में क्या बताया था कि देखो ए और बी जहाँ से आते हैं, तो ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं जेड से, यानी पूर्णांक से। तो आपका जो संक्रिया आएगी ना ए स्टार बी, कौन सी आएगी, ये वाली। तो ये संक्रिया भी पूरी की पूरी कहाँ से आनी चाहिए बताओ, या कहाँ आनी चाहिए, ये पूरी की पूरी जेड में आनी चाहिए, तभी तो ये संक्रिया कहलाएगी, ठीक है ना। ये संक्रिया तभी होगी, ये संक्रिया की परिभाषा में हमने बताया था कि ये संक्रिया तभी होगी जब ये जो स्टार है ये खुद वहाँ से आए जहाँ से इसके एलिमेंट्स लिए गए हों, जहाँ से इसके अवयव आए हों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ए स्टार बी ए प्लस बी माइनस ए बी द्वारा परिभाषित है कोई संक्रिया, इस संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव ए का प्रतिलोम है। आपको प्रतिलोम निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिलोम इनवर्स, ठीक है, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, पूर्णांकों यानी कि इंटीजर्स। तो द सेट ऑफ, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स द ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जेड डिफाइन कर चुके हैं। देन द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ए इज, इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट आपको फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी बुक्स जो हैं उनमें देखते रहिएगा, और अगर बुक्स नहीं है तो यहाँ से मैंने आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप कोशिश कीजिएगा वहाँ से लिख लें, ठीक है। तो आप लोग इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है लोकल एरिया में, लेकिन हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं बताते भी जा रहा हूँ आपको। ये सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन में
सबसे पहले आप संक्रिया यानी कि जो ऑपरेशन है उसे लिख लो, ए प्लस बी माइनस ए बी। और अब संक्रिया के सापेक्ष आपको प्रतिलोम निकालना है, तो आपको बताया गया था प्रतिलोम निकालने का जुगाड़। प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, इनवर्स पता होगा आपको। अगर किसी को प्रतिलोम निकालना नहीं आता है तो अपने पिछले वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख लें, जहाँ पे इनवर्स यानी कि प्रतिलोम निकालने के बारे में बता रखा है, ठीक है ना, पूरा वीडियो बना रखा है इनवर्स फंक्शन का। तो प्रतिलोम कैसे निकालना है, तो प्रतिलोम निकालने के लिए आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट ए है उसका उसके खुद के प्रतिलोम, मैं ए डैश बोलूँगा, आप बी भी बोल सकते हो, है ना, आप ए डैश बी कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे इसकी जगह पे, मैं ए डैश लिख रहा हूँ प्रतिलोम के लिए। तो जो उस एलिमेंट का उसके प्रतिलोम अवयव से ऑपरेशन यानी संक्रिया करवाते हैं तो उसका आंसर आता था ई, ठीक है, ये इसकी थ्योरी थी आपकी प्रतिलोम निकालने के लिए। तो ए स्टार ए डैश इज इक्वल टू ई, ई क्या है, ई जो है वो उसका तत्समक अवयव है, क्या है इसका तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आपका प्रतिलोम निकालने का जुगाड़ था, ठीक है। तो मुझे पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, है ना, आपको दिख रहा है कि प्रतिलोम निकालना है, तो प्रतिलोम निकालने के लिए मुझे E की ज़रूरत है, क्योंकि A डैश वाला तो निकालना ही है और A ये तो आपसे आपको दिया हुआ था, E की ज़रूरत है, तो पहले E निकाला जाए। तो यहाँ पे मैं तत्समक निकालता हूँ, तो तत्समक अवयव निकालना कैसे था, तत्समक अवयव निकालना ए स्टार ई बराबर ए, तत्सम का मतलब वैसा का वैसा आ जाए, तो ए जैसा था उसकी संक्रिया अगर ई यानी तत्समक अवयव से की जाएगी तो वापस ए बन जाएगा, ठीक है, ये तत्समक अवयव का था। तो आप देखो इस क्वेश्चन में, एक छोटे से क्वेश्चन में जिसमें प्रतिलोम निकालना है, वहाँ आपको ये प्रतिलोम निकालने का जो तरीका है यानी कि ये जो रूल है ये फॉर्मूला ये याद रखना पड़ता है, साथ ही साथ तत्समक निकालना भी आना चाहिए, तत्समक निकालने के लिए ये भी याद रखना पड़ेगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, ये मैंने जब आपको बताया था जब हम लोग गुणधर्म पढ़ रहे थे किसके, इसके संयुक्त फलन में, तो वहाँ मैंने बताया था ये सब चीज़ें कि आपको ये प्रतिलोम तत्समक और ये चीज़ें आनी चाहिए और ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तत्समक अवयव ए स्टार ई बराबर ए होता है, तो चलो ऑपरेशन लगाते हैं, ए स्टार ई तो ये यहाँ पे लगा दो, ए स्टार बी, बी की जगह रखो ई, तो ए स्टार ई बराबर ये आ जाएगा ए प्लस बी की जगह ई माइनस ए ई, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए के, ठीक है। अब इन दोनों को तुलना करो, बराबर करो, और किसका मान निकालना है, E का मान निकालना है, मुझे E चाहिए तो E का मान निकालना है, तो E को कैसे भी करके एक जगह लेके आओ, यहाँ E दो जगह है ना, तो एक जगह कैसे आएगा, यहाँ से कॉमन ले लो, तो कॉमन लेते ही 1 माइनस ए बन जाएगा, ये A और ये A कट चुका है, कटने का मतलब है ज़ीरो। देखो कई बार क्या होता है कि गुणा में हम काटते हैं तो हम सोचते हैं कि गुणा में भी ज़ीरो हो जाएगा क्या, ये देखो ये कट चुका है, ये भी तो कट चुका है, ये भी कट गया, तो क्या ज़ीरो लिख दूँ क्या वहाँ पे, नहीं ज़ीरो नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि ये कटा कैसे होगा, ये भाग में गया होगा तो ए का एक बार में एक तो एक आया होगा, ठीक है ना, तो एक आया होगा इस वजह से ये कट के ज़ीरो नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ समझना, यहाँ ये ए जो है ये उस तरफ गया होगा तो ए माइनस ए बना होगा, ठीक है, ए माइनस ए कितना होता है ज़ीरो, ऐसे कटा है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छे से ही क्लियर होनी चाहिए, ये काट के ज़ीरो हुआ। अब मुझे E की वैल्यू निकालनी है, किसकी, ध्यान रखना E की, तो E की वैल्यू या तो E ज़ीरो होगा या फिर 1 माइनस ए ज़ीरो होगा। अब E बराबर ज़ीरो जो है ये आ चुका है, लेकिन यहाँ से एक आंसर और आ रहा है, पता नहीं क्या है ये आंसर, पता नहीं चल रहा है क्या है, ये आ रहा है कि A बराबर एक हो। अब आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है A जो कि एक के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना,
देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते समय ये चीज़ें अजीब अजीब चीज़ें आती है ना, ये कि फोर ईच ए बी बिलोंग्स टू जेड, ये नॉट इक्वल वन, ये चीज़ें काम की होती हैं ना, ये बहुत कुछ बता रही होती हैं। हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। यहाँ वन इज इक्वल टू ए आया, ये बताता है क्या ये वाला कि ए बराबर एक हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है वहाँ पर क्वेश्चन में पहले लिखा है कि ए बराबर एक नहीं लेना है, नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा कि वन इज नॉट इज इक्वल टू ए, ये गलत है। तो गलत ये है तो ये क्या है, सही, मतलब e बराबर जीरो हो सकता है। तो यहाँ आपको ऐसे लिखना पड़ता है कि सिंस a इज नॉट इक्वल टू वन, वन माइनस ए ज़ीरो, तो इससे आता है क्या a इज इक्वल टू वन, बट a इज नॉट इक्वल टू वन, क्यों, क्योंकि गिवन है ये। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं गिवन। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है कि इसका क्या मतलब था इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे जो आया उससे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे उसको दिखा सकते हैं कि वो बराबर एक नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया, ई बराबर ज़ीरो। वैसे भी आपको ई निकालना था, ए के बारे में कुछ बताना नहीं था, तो दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, ई बराबर ज़ीरो आ चुका है। अब प्रतिलोम निकालते हैं, तो ए स्टार ए डैश, ये लिख लेता हूँ मैं क्या आने वाला है, ये आएगा ए प्लस ए डैश माइनस ए इंटू ए डैश। ये किसके बराबर होना चाहिए था, ई के, ई कितना आया ज़ीरो, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट कि ए डैश कितना आता है, तो ए डैश निकालना है ना, तो ए डैश वाले एक तरफ करो चलो, तो ए डैश पहले लिख लिया माइनस ए डैश एक और लिख लिया, ये वाला ए उस तरफ भेजो ज़ीरो की तरफ, तो माइनस ए आएगा ना, बिल्कुल। अब ए डैश कॉमन ले लो, तो ए डैश कॉमन लिया तो वन माइनस ए बचा, इधर माइनस ए बचा, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब ए डैश निकालना है तो बताओ क्या आंसर देगा ए डैश, कई बच्चे निकाल लिए होंगे इसको देख के डायरेक्टली, माइनस ए अपॉन वन माइनस ए, ये आ गया। अब एक चीज़ और कर सकते हैं ना, इस माइनस ए व ऊपर वाले माइनस को हटा सकते हैं, तो ऊपर वाले माइनस को हटाओ, तो ए अपॉन नीचे डालोगे तो ए माइनस वन, चेक कर लो, ये माइनस उठ के नीचे चला जाएगा, तो ए वाला प्लस का, वन वाला माइनस का, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ए अपॉन ए माइनस वन। अगर आपके पास चार ऑप्शन दिए हों, जो कि दिए होंगे आपके क्वेश्चन में, देख लेना आप, तो वहाँ पे आपका आंसर आएगा ए अपॉन ए माइनस वन, ठीक है। ये प्रतिलोम निकालना था, एक बार और देख लेते हैं क्या करना था। प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ए स्टार ए संक्रिया ए डैश क्या है, प्रतिलोम है, ये प्रतिलोम है यानी इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए ए स्टार ए डैश बराबर ई, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, तत्समक अवयव ए स्टार ई बराबर ए, ई क्या है तत्समक अवयव, उसे निकालना है, तो ए स्टार ई बराबर ए, ये लिख दिया मैंने स्टार लगा के, मतलब ऑपरेशन लगाना है। ये जो ऑपरेशन यहाँ दिया हुआ है ना, ए प्लस बी माइनस ए बी, ये यहाँ भी लगेगा ई वाले के साथ, देखिए लग रहा है, और यहाँ भी लगेगा डैश वाले के साथ, जैसे यहाँ लग रहा है, ठीक है। ई निकाल लिया, ई को यहाँ रख दिया बराबर में, उसके ऑपरेशन लगा दिया यानी संक्रिया लगा के, और फिर ए डैश का मान निकाल लिया, और यही मेरा प्रतिलोम है, ठीक है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास 11 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, 11वां क्वेश्चन है विविध का। लिखा है आर में परिभाषित कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है, ठीक है, और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोल देना कि इन रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। ओके, रियल नंबर में कौन सी वाली, ए बी सी डी ये चार हैं, इनमें से कौन सी वाली कॉम्यूटेटिव है यानी क्रम विनिमय है, ठीक है। मैं आपको पहला और दूसरा बता देता हूँ, बाकी आप ये दोनों कर लेना, ठीक है। ए स्टार बी ए स्क्वायर बी है सॉल्यूशन 11वें का। ए स्टार बी जो है आपका ए वाले में, वो है ए स्क्वायर बी। आपको पता है क्रम विनिमय होने के लिए बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए ये चीज़, तो बी स्टार ए निकालोगे तो जहाँ ए है वहाँ बी रखो, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये बी की जगह ए आ जाएगा। अब आप देखो क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे कि ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ए स्टार बी स्टार ए के बराबर नहीं है, तो क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि पहला वाला जो क वाला है वो क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तो पहला क्रम विनिमय नहीं है। दूसरा देखते हैं बी वाला, बी वाले में क्या दे रखा है,
ए स्टार बी बराबर ए की घात बी। अब ए की घात बी है ये, तो जब मैं बी स्टार ए निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बी की घात ए हो जाएगा। और आपको पता है बी की घात ए और ए की घात बी दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप, फिर से वही लिखोगे, ये भी क्रम विनिमय नहीं है। तो ना तो ये क्रम विनिमय है और ना ही ये क्रम विनिमय है, ठीक है, केवल क्रम विनिमय के बारे में बताना है। इसी तरीके से आपका सी वाला और डी वाला, ये आपका टास्क है, आप लोग करोगे, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन जो है ये मैं दे देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि इसे किस तरीके से सोल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन लेके और सी और डी का सॉल्यूशन लेके आप कमेंट में इनके आंसर्स जो हैं, अगर आते हैं छोटे तो कमेंट में आप इसको कमेंट करके बताइए, और नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको समझाऊंगा। यहां मैं हिंट बता देता हूं सोल्व करने का। देखो एफ दे रखा है आपको, पहले पढ़ देता हूं क्वेश्चन। निम्न फलनों के लिए साहचर्य नियम का सत्यापन करें। साहचर्य नियम का सत्यापन करना है कि ये जो F है, ये जो G है और ये जो H है, ये तीनों फलन साहचर्य दिखाएंगे या नहीं, साहचर्य होंगे या नहीं, कैसे साहचर्य वो देखना। F O G O H ये तीन फलन है मेरे पास, है ना। तो F O G O H, इसमें F O G एक साथ रखने पे F O G O H और उसमें G O H एक साथ रखने पे ये दोनों बराबर होंगे या नहीं, यही आपको बताना है। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर एक और बता देता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हैं। एच ओ जी ओ एफ, तो इसमें एच ओ जी एक साथ रख लो, और एच ओ जी ओ एफ इसमें जी ओ एफ एक साथ, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी एक आप प्रूफ कर दोगे तो आपका जो है ये सत्यापन हो जाएगा कि ये साहचर्य है या नहीं। सत्यापन करना है तो साहचर्य होगा ही, साहचर्य तो होगा ही, लेकिन आपको इसे प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो आपका जो एफ ओ जी है यहाँ पे, तो एफ ये रहा एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, और जी ये रहा जी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। इन दोनों का फोग निकालो, ठीक है, इन दोनों का निकाल लो। फिर जो भी आंसर आता है उसमें x की जगह, उसमें जो भी x आता है वहाँ पे, उसमें x की जगह ये e की पावर x वाला रख देना, तो ये आपका आ जाएगा एफ ओ जी ओ एच वाला। अब एफ ओ जी ओ एच ये निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, जी ओ एच, सबसे पहले आप जी ओ एच निकालो। तो ये रहा g, ये रहा h, तो जहाँ g में x है ना, वहाँ h रख दो, तो जी ओ एच आ जाएगा। ये आप जी ओ एच निकाल सकते हो, और जी ओ एच के बाद से जो भी एफ एक्स में एक्स है, जो भी ये एक्स है एफ में, उसकी जगह पूरा का पूरा जी ओ एच उठा के रख देना है, ठीक है। ये एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालने के लिए हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, और वहाँ जो है आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से एफ ओ जी जी ओ एफ और ये चीज़ें निकाली जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करूँगा, और साथ ही साथ हम इस विविध प्रश्नमाला को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।